इसीलिए दोनों हाथ उठाकर बिल्कुल सीधे सभी कह दो, धारा तो बह रही है, धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की। I'm not afraid to die.
कोई भाई ते बाप है, जिते ना कोई भैन भरा, जिते ना कोई भैन भरा, जिते ना कोई भैन भरा, जिते ना कोई भैन भरा। कौन कौन चलेगा मेरे साथ, दोनों हाथ उठाकर। मन्ना चल वृंदावन चलिए, हम तुम्हारे बन गए।
बिल्कुल सीधे और क्या कहना लगिया ने मोजा हूं न लाई रखी सोनिया लगिया ने मोजा हूं न लाई रखी सोनिया We'll be right back.
कबूल सूरत शाम सा सलूना है। आज भी नूर वाला, आज भी नूर वाला, ऐसा महबूब कहीं हुआ ना होना है। जैसा कपूर सूरत शाम सा सलोना है। आज भी नूर वाला, आज भी नूर वाला, ऐसा महबूब कहीं हुआ ना होना। एक बार किसी के घर में गोपाल जी की सेवा बड़ी सुंदर होती थी। ध्यान दे, बड़ी सुंदर मैया गोपाल जी की सेवा करती थी। अब उस मैया को कुछ बाहर जरूरी काम पड़ गया, तो मन में विचार आया कि दूर का सफर है, दूर की यात्रा है, कि गोपाल जी को किस तरह के अपने साथ में ले जाऊं। गोपाल जी को मैं अपने साथ किस प्रकार से ले जाऊं? साथ वाली पड़ोसन के पास वो मैया गई और कहा कि मुझे कुछ बाहर जरूरी काम पड़ गया है, वहां पर मुझे 10-15 दिन लग जाएंगे, तो आप ऐसा करो पीछे से कि आप मेरे ठाकुर जी की सेवा कर लोगी। उन्होंने कहा कि बहन मुझे सेवा करने तो आती नहीं है, क्योंकि मेरे घर में ठाकुर जी की सेवा नहीं है। उस मैया ने बताया कि बड़ी आसान से है, सुबह उठो, ठाकुर जी को नहलाओ, किस प्रकार से भोग लगाओ, आरती उतारो। ठाकुर जी को देखकर वो मैया चली गई। ठाकुर जी को देखकर चली गई। अब पीछे से जब वो गोपाल जी की सेवा करने लगी, अब पहले कभी तो उसने ठाकुर जी को देखा नहीं था। जैसे ही गोपाल जी के वस्त्र उतारे, तो आप सबने देखा होगा ठाकुर जी एक पांव टेढ़ा करके बैठते हैं, जो गोपाल जी हैं। उसने वस्त्र उतारे तो देखा गोपाल जी के पांव टेढ़े हैं। बेचारी डर गई, सोचा शायद मुझसे कोई गलती हो गई है, पड़ोसन तो आकर मुझे बहुत डांट लगाएगी, तूने पीछे से ठाकुर जी के पांव कैसे टेढ़े कर दिए। अब वो बेचारी जानती तो नहीं है कि शुरू से ही पांव टेढ़े हैं। उसने क्या किया कि रोज तेल लगाया हाथों में और ठाकुर जी के पैरों की मालिश करना शुरू कर दिया, रोज मसाज करती है। सुबह शाम गोपाल जी को लेकर बैठ जाना और मालिश करना शुरू, मसाज करना शुरू। लेकिन मुख से एक ही शब्द है, हरि कितने सुंदर सुंदर 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 है, कितने सोने सोने सुंदर सुंदर। उसने पहली बार ठाकुर जी को देखा था, हरे कितने सोने सोने, हरे कितने सोने सोने, हरे कितने सोने सोने। Thank you.
जी कितने सुंदर सुंदर हैं, मानो रस के भरे कटोरे, सभी कीर्तन में जाते हैं, कथा में जाते हैं, जाते तो सभी है, सुनते तो सभी है, लेकिन अमल कोई नहीं करता है, जीवन में उतारता कोई नहीं है। जिस प्रकार से हमारे सामने 56 भोग अगर रखा हो तो केवल देख जाने से पेट भर जाएगा, नहीं भरेगा, जब तक उसे पाओगे नहीं पेट नहीं भरेगा। उसी तरह से जब तक इन बातों को कथा को सुनकर अपने जीवन में उतारेंगे नहीं तो वो आनंद नहीं आएगा, कृपा का पता नहीं चलेगा। रोज बेचारी डर जाती है कि पड़ोसन आने वाली है, उसके लड्डू गोपाल है, ना जाने क्यों पांव टेढ़े हो गए। रोज ठाकुर जी की मालिश करती रहती है, करती रहती है। अब जब पड़ोसन थी, पूरे 15 दिन इस तरह से बीत गए, ठाकुर जी की सेवा करते 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 करते, लेकिन उसका प्रेम जो था गोपाल जी से जुड़ चुका है। अब मन नहीं है कि वो पड़ोसन आए और अपने गोपाल जी ले जाए, अब तो बस ये मेरे हैं। उसके मन में ऐसा भाव आने लगा है, अब केवल हरि मेरे हैं। जैसे ही पड़ोसन आई तो दौड़ती दौड़ती उसके घर गई, मेरे गोपाल जी कहाँ हैं, कैसे हैं, कैसी सेवा की, क्या कर रहे हैं। जैसे ही दौड़ती 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 उसने कहा कि आपके ठाकुर जी ठीक हैं, मैंने खूब अच्छे से सेवा की है। जैसे ही अपने मंदिर में लेकर गई कि अपने ठाकुर जी के दर्शन कर लो भैया, जो पांव गोपाल जी के सचमुच में जो पांव टेढ़े रहते हैं, उस भक्त ने मालिश कर करके उनके पांव वो सीधे कर दिए थे। जैसे उसने देखा तो हैरान रह गई, बिल्कुल देखती रह गई, ये क्या। बोले मैंने सोचा कि शायद आपके गोपाल जी के पांव टेढ़े हो गए, तो पीछे से मैंने इनकी बड़ी सुंदर रोज सुबह शाम सेवा करती थी, अब देखो गोपाल जी के पांव बिल्कुल सीधे। तो ये प्रेम है। हरि कितने सुंदर सुंदर, हरि कितने सुंदर सुंदर है, हरि कितने सुंदर सुंदर है, हरि कितने सुंदर सुंदर है, मानो रस के भरे कटोरे हैं, मानो रस के भरे कटोरे, मानो रस के भरे कटोरे हैं, मानो रस के भरे कटोरे। हाँ हरि कितने सुंदर सुंदर है, 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 हरि कितने सुंदर सुंदर है। जिंदगी लुटाने हम जिंदगी लुटा लुटा चुके, एक जिंदगी है बाकी।
है एक जिंदगी बाकी, सब कुछ लुटा चुके हैं एक जिंदगी है बाकी, सब कुछ लुटा चुके हैं एक जिंदगी है बाकी, वो भी तुम्हें लुटा दूं ऐसी पिला दे साकी, वो भी तुम्हें लुटा दूं ऐसी पिला दे साकी। दिल की लगी सुनाने राधा 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 राधा